आज हम स्मूथनिंग करना सीखेंगे। कैसे पार्लर में हम स्मूथनिंग करते हैं, यानी कि स्ट्रेटनिंग, स्टेप बाय स्टेप कर दिखाऊंगी। स्मूथनिंग से क्या होता है, हेयर थोड़ा बाउंसी दिखता है, ज़्यादा क्वांटिटी का दिखता है। लेकिन स्ट्रेटनिंग से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट तो होता है, लेकिन थोड़ा कम दिखता है, इसीलिए सभी को पसंद आ जाता है स्मूथनिंग। स्मूथनिंग करने के लिए कैसे हम पार्लर में करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाऊंगी। तो आइए मैं दिखाती हूँ। करने के लिए दो ही क्रीम चाहिए, एक स्ट्रेटनिंग क्रीम है और एक निप्राइजेशन। दो ही क्रीम से हम करेंगे स्मूथनिंग। इससे अभी हम हेयर को शैम्पू करेंगे। पहला स्टेप रहेगा शैम्पू। शैम्पू दो तीन बार शैम्पू लगाकर, ज़्यादा क्वांटिटी का शैम्पू थोड़ा देकर शैम्पू कर देंगे हेयर को। पूरे तरह से साफ होना जरूरी है, थोड़ा भी हेयर के ऊपर डस्ट और ऑयल भी रहना नहीं चाहिए, इसीलिए शैम्पू करना बहुत सही तरीके से शैम्पू करना जरूरी है। उसके बाद हम ड्राई करेंगे। तो शैम्पू हो गया, उसके बाद टॉवल से थोड़ा हेयर को ड्राई कर देंगे और ड्राई बोल ड्राई से सुखा देंगे हेयर को थोड़ा ड्राई कर। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे फास्ट क्रीम। करेंगे क्रीम लगाना। क्रीम लगाने से पहले क्या करेंगे, हेयर को पार्टीशन कर देंगे और थोड़ा थोड़ा हेयर के ऊपर लगाएंगे, ज़्यादा हेयर नहीं लेंगे। और क्रीम लगाने के टाइम एक बात का ध्यान रखिए, सभी हेयर के ऊपर क्रीम लगना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक भी हेयर जैसे नहीं छूटेगा, इस तरह सा क्रीम लगाएंगे और कंघी कर स्ट्रेट कर रखेंगे। इससे क्या होता है, एक भी हेयर नहीं छूटेगा, हो जाएगा अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से सभी हेयर के ऊपर क्रीम लग गया। उसके बाद हम उसको छोड़ेंगे 20 मिनट। 20 मिनट के बाद आप जाकर देखेंगे हेयर को, एक हेयर लेंगे उसको खींचेंगे तो इलास्टिक जैसा लंबा होगा, तो आपकी हेयर हो गया। और ज़्यादा वक्त नहीं रखेंगे, वॉश कर देंगे। इसके धोने के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल पानी से धोएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, नॉर्मल वाटर से धोकर उसको वो क्रीम को रिमूव कर देंगे। थोड़ा पानी को सोख कर देंगे, उसके बाद ड्राई से ड्राई कर देंगे। 90% ड्राई करेंगे और उसके बाद हम पार्टीशन कर देंगे। आयरन करना हेयर को स्टार्ट करेंगे। आयरन के लिए क्या करेंगे, आपके आयरन स्ट्रेटनर थोड़ा ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का होना जरूरी है। इससे क्या होता है, आपको जल्दी आपकी हेयर स्ट्रेट हो सकता है और ज़्यादा वक्त के लिए भी रहता है। थोड़ा हेयर को थोड़ा थोड़ा लेकर इस तरह से आयरन करेंगे, स्ट्रेट करेंगे और एक हेयर के ऊपर 4-5 बार स्ट्रेटनर लगाएंगे, उससे छोड़ देंगे।
देखिए हमारा पूरी कंप्लीट हो गया, कितना डिफरेंट लुक आ गया, कैसे हेयर था और किस तरह से अभी हो गया, ये आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे सेकेंड क्रीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड क्रीम लगाना, न्यू प्रेजेशन। इससे पूरी हेयर के ऊपर इस तरह से पार्टीशन कर देंगे, जिस तरह से फर्स्ट क्रीम लगाए थे हम अप्लाई किए थे, इस तरह से सेकेंड क्रीम भी हेयर के ऊपर अप्लाई करेंगे और कंघी कर इस तरह से लगाएंगे। सभी हेयर के ऊपर लगना जरूरी है। इससे हम लगाकर छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट, उसके बाद नॉर्मल वाटर से धो देंगे फिर से। देखिए हमारा 15 से 20 मिनट हो गया, उसके बाद हम धोएंगे हेयर को, नॉर्मल वाटर से धोएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, नॉर्मल वाटर से धो देंगे, पहले जैसे धोए थे इस तरह से धो देंगे। ड्राई कर देंगे हेयर को और आपकी हेयर कंप्लीट हो गया और कुछ नहीं है, कंडीशनर थोड़ा लगा देंगे, छोड़ देंगे, आपकी हेयर कंप्लीट हो गया। देखिए कितना अच्छा लुक आ गया और इस तरह से आप भी स्मूथनिंग कर सकते हैं। लेकिन एक बात की ध्यान रखिए, स्मूथनिंग के बाद आपको महीने में एक बार स्पा करना जरूरी है। हेयर स्पा बार बार करेंगे तो आपकी हेयर डैमेज नहीं होगा, इस तरह से रहेगा 1 ईयर के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। रहती हूँ, बाय।